नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। लेकिन जिस तरीके से अभी बाढ़ की स्थिति बिहार में बने हुई है, सांभवी चौधरी कुकेश्वर स्थान गई हैं, नाव से घूम घूमकर स्थिति का जायजा ले रही है। उनके साथ उनके पति शायन कुणाल भी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई तस्वीरों को एक एक करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से सांभवी चौधरी जरूरतमंदों के बीच में खाने की सामग्री को वितरण कर रही है। क्योंकि अभी जो स्थिति है, लोगों को खाने की सख्त से सख्त जरूरत है, खाने को खाना नहीं है, तो सांभवी चौधरी लोगों के बीच में जाकर खाने की सामग्री को वितरण कर रही हैं। झुग्गी झोपड़ी में जा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो अपने नाव के माध्यम से वो झुग्गी झोपड़ी तक जा रही है, और सिर्फ गिने चुने एक दो झोपड़ी नहीं, जितनी भी वहां पर झोपड़ी है जहां पर लोगों का जमावड़ा है, वहां कर सांभवी चौधरी खाने की सामग्री को वितरण कर रही है। सांभवी चौधरी को देखते ही लोगों का जमावड़ा लग जा रहा है, और जिस तरीके से सांभवी चौधरी लोगों के बीच में खाने की सामग्री वितरण कर रही है, साथ ही साथ कुछ और भी लोग हैं जिन्हें पैसों की भी जरूरत है, उन सभी लोगों के बीच में सांभवी चौधरी पैसों का भी वितरण करते नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो सांभवी चौधरी की एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें पशु के साथ प्रेम साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो काफी ज्यादा क्लोज है जानवरों के साथ। अब देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने को एक सामुदायिक किचन भी उपलब्ध कराया गया है। तो अब इसको लेकर सांभवी चौधरी खुद गुणवत्ता को जो जांच करती है, खुद खाकर कि खाने का स्वाद कैसा है, खाने में कुछ कमी तो नहीं है, इन तमाम चीजों की वो जांच पड़ताल करती है। अब इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें सांभवी चौधरी पैसों का भी वितरण करते नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर बताएं तो सांभवी चौधरी नाव के माध्यम से अपने पति शायन कुणाल के साथ जाती है, और उसी नाव पर सांभवी चौधरी के कई अन्य समर्थक भी होते हैं। नाव से जाकर पूरे बाढ़ की स्थिति का जायजा लेती हैं और जगह जगह पर जाती हैं, अपने नाव के ही माध्यम से झुग्गी झोपड़ी तक जाती हैं, खाने की सामग्री को पहुंचाती हैं लोगों तक, साथ ही साथ जरूरतमंदों के बीच में पैसे को अभी वितरण करती हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं तो खाने की गुणवत्ता की भी जाँच करती हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे